उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आज उत्तराखंड में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए, जबकि 4 मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 1, चमोली में 1, चंपावत में 3, देहरादून में 80, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 6, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 8, उधमसिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 21 नए मामले सामने आए। जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 7331 पहुंच गया है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 340646 पहुंच गया है। इसमें से 1821 केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 506 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। तो खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी उम्र अभी 45 साल है। नाम का ऐलान होते ही धामी का मोबाइल हुआ गुम। मंच पर ही खोजते दिखे नए मुख्यमंत्री। तो बीजेपी मुख्यालय में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई, वैसे ही उनका मोबाइल गायब हो गया। नेतृत्व परिवर्तन, जनता के साथ भद्दा मजाक, उत्तराखंड बना बीजेपी की प्रयोगशाला। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। यूकेडी का कहना है कि उत्तराखंड बीजेपी की प्रयोगशाला बन गई है, साथ ही नेतृत्व परिवर्तन को भद्दा मजाक करार दिया है। वहीं खबर है पौड़ी से शॉर्ट सर्किट से 2 बाइक जलकर राख, 2 कारों को भी हुआ नुकसान। तो पौड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से 2 बाइक जलकर राख हो गई। वहीं पास में खड़ी 2 कारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रुड़की में 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया आबकारी इंस्पेक्टर। तो विजिलेंस टीम ने शराब ठेकेदार से 35,000 की रिश्वत लेने के आरोप में आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पवार को रुड़की स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। चकराता का टाइगर फॉल, पर्यटकों से गुलजार खिले होटल व्यवसायियों के चेहरे। तो टाइगर फॉल का दीदार करने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक चकराता का रुख कर रहे हैं, जिससे होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हैं। वहीं खबर है लक्सर पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 3 आरोपी पहुंचे जेल। तो लूट मामले का खुलासा करते हुए लक्सर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड से बड़ी खबर है गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। तो अल्मोड़ा से खबर है गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर गर्भवती महिला ने किन परिस्थितियों में फांसी लगाई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं में मामले की जांच कर रही है। हरदा बोले भाजपा के सीएम चयन का सीन नाटकीय, मैं कल करूंगा सारे घटनाक्रम का राजनीतिक चीरफाड़। तो हरीश रावत ने इस प्रकार से यहां पर ट्वीट किया है। तो भाजपा के मुख्यमंत्री चयन का सीन नाटकीय तरीके से समाप्त हुआ। कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए। खुशी है कि एक किसान का बेटा पुष्कर सिंह धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, आज शुभकामना देने का दिन है। कल मैं सारे घटनाक्रम की राजनीतिक चीरफाड़ करूँगा, मगर आज केवल पुष्कर धामी जी को बधाई देता हूँ। उनके जीवन में यह बड़ा क्षण है।